जसविंदर जस्सी, पहले मैं तुहानू एक गायक विखा देवां। जसविंदर जस्सी इस गायक बारे शायद ही कोई जानदा होवेगा, ते जिन्हां दा अमर सिंह चमकीले ने एक गीत लिखिया होया चूंडी वड्डी चूंडी वड्डी नाल ने बिंदर भदौड़ वाले, जिन्हां ने अमर सिंह चमकीले दे ओ तवे, उन्हां गायकां दे ओ तवे संभाल के रखे हुए ने जिहड़े गायकां नूं अमर सिंह चमकीला अपने गीत लिख के दिंदे सन, ते उन्हां गायकां बारे शायद ही कोई शख्स जानदा होवे। बिंदर जी बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत स्वागत जी। सब तो पहला तो मैं सोना पंजाब चैनल का तहे दिलों धन्यवादी हाँ कि उन्होंने भदौड़ दे विच आके ये सोचा जी भदौड़ दे विच कोई माड़ा मोटा संगीत संभाल रहे ने, तो बहुत बहुत मैं थोड़ा धन्यवाद हाँ और मैं पूरे श्रोतों का धन्यवाद करदा जो इस चैनल नूं देखदे ने जी। बिंदर जी, जिस तरह आपां गल कीती है कि अमर सिंह चमकीला अपने गायकी सफर शुरू करन तों पहलां काफ़ी सि गायकों नूं अपने गीत देंदे सन, तो असीं चाहवांगे भी वह तवे विखाए जाण श्रोतियां नूं जिहड़े प्यार करन वाले ने उहनां नूं, तुहानूं जानण वाले ने तुहानूं भी दुनिया जाणदी, क्योंकि दूर दूर दरेडे तुसीं इन्ना खजाना जिवें असीं पिछे वेख रहे हां तुहाडा संभालिया होया गीतां दा, तो पहला सानू दिखाओ फिर आप स्रोतियां होर वक् वक् चीज़ा दिखाने जी। जी ये जो तुम रिकॉर्ड देख रहे हो जी, हाँ जी, ये रिकॉर्ड सुरिंदर शिंदा जी का ही है, ये बहुत ही मकबूल होया सी। इस टाइटल की सीगा नी मैं डिगी चल के अमर सिंह चमकीला जी का, ये रिकॉर्ड 1977 च आया जी। ये रिकॉर्ड सब तो पहला उन्होंने रिकॉर्ड होया सी। ये प्यारे दर्शकों आप वेख रहे हैं 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕੀਲੇ ਨੇ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨੀ ਮੈਂ ਡਿੱਗੀ ਤਿਲਕ ਕੇ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਛਿੰਦਾ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੋਨੀਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੀਤ ਆਇਆ ਸੀ ਚਮਕੀਲੇ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਜੇਠ ਗੁੱਗਲ ਦੀ ਧੂਣੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੋਨੀਆ ਛਿੰਦਾਈ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ। ਜੇਠ ਗੁੱਗਲ ਦੀ ਧੂਣੀ ਇਹ ਵੀ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲੇ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਛਿੰਦੇ ਹੋਣਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ। तो अगे आप होर गीत तो वह भी देखते हैं जिन्हों बहुत घट दर्शक जिन्हों बारे जानते हैं। हाँ जी, ये जो तुम रिकॉर्ड देख रहे हो जी ये 1979 के बच्चे आया सी, पंजाब की महान गायिका श्रीमती नरेंद्र बीबाई ने उन्होंने एक गीत रिकॉर्ड कराया जी ड्यूट 1979 के। मैनू हुंदा जावे दिनों दिन की मित्र। वाह जी, ये वेखो पंजाबी सभ्याचार दे विच जिन्हों का बड़े सत्कार नाम लिया जाता है नरेंद्र बीबा जी, उन्हां दे दुगाने जिहड़े आए ने उन्हां दे विच अमर सिंह चमकीले दा गीत है मैनू हुंदा जावे दिनों दिन की। आपां इह वेख भी सकदे हां जिस दे विच अमर सिंह चमकीले दा गीतकार दे तौर ते नाम लिखिया होया नरिंदर बीबा होणा दे गीतां दे विच। ते अग्गे इह होर आपां नूं बिंदर जी, इह रिकॉर्ड 1979 च आया सी जी गुरशन कोमल ते सुरिंदर शिंदा दी आवाज़ विच, जिहदे बोल सन बंद बोतल खोलना चाहुंदी आ। ये वेखो जी गायक है सुरिंदर छिंदा ते गुलशन कोमल, बंद बोतल खुलना चाहुंदी है, ये हैगा जी पहले पासे दे उपर दिता सी अमर सिंह चमकीले दा गीत लिखिया होया। ते 1979 1979 तो भी जानी एक साल पहला ये गीत अमर सिंह चमकीले दा आ चुकिया सी लिखिया होया। जसविंदर जस्सी दा रिकॉर्ड आया सी जी, ये भी मतलब 1979 लागे छागे रिकॉर्ड आया सी जी। ये एक रिकॉर्ड सी जी इहदा, ये आपां वेख सकदे हां अमर सिंह चमकीले दा जसविंदर जस्सी। पहले मैं तुहानूं एक गायक विखा देवां, जसविंदर जस्सी इस गायक बारे शायद ही कोई जानदा होवेगा, ते जिन्हां दा अमर सिंह चमकीले ने यह गीत लिखिया होया चूंडी वड्डी चुंडी वड्डी आशकां नूं, ये आपां दूजे पासे वेख सकदे इत्थे अमर सिंह चमकीले दा दूजे गीत दे उपर नाम लिखिया होया है। ते एक वारी फिर मैं गायक विखा देवां, जे प्यारे दर्शकां दे विचों किसी ने इस गायक नूं वेख्या होवे ओह कमेंट करके जरूर लिखणा, ते बिंदर भदौड़ वाले दा हौसला अफजाई जरूर करन जिन्हां ने इन्ना ये खजाना संभाल के रख्या होया है। इस तों इलावा इहनां कोल धार्मिक गीत भी उहनां संतां महापुरखां कविशरां ढाडियां रागियां दे ने जिन्हां नूं आपां कदे सुणिया तां आपां नूं पता तक नहीं। 1979 दे विच इक रिकॉर्ड आया सी जी ईपी जी, ये रिकॉर्ड सीगा बिजली दा पंगा, क्योंकि उहनां समिआं दे विच 79 दे विच पंजाब दे बिजली दी बड़ी किल्लत सी, चमकीला जी दा लिखिआ होइआ गीत जी। वाह जी, इह वेखो जी गीत है बिजली दा पंगा, ते गायक हैगा प्यारा सिंह पंछी ते बलजीत कौर बल्ली। इस तों इलावा एक होर गायक का नाम ही है
भगवंत सिंह ते के एम वीणा ते गीत लिखा अमर सिंह चमकीले ने बिजली बिजली दा पंगा जिवें अपने पंजाबी जिहड़े दर्शक ने सुन रहे ने साडे वड्डे वड्डेरे जिहड़े ने उन्हां नूं पता है जिस तरह किस हालात दे विच बिजली पहुँचदी सी घरां दे विच क्योंकि उस टाइम बिजली का कनैक्शन लैना कोई खाला ही दा वाड़ा नहीं सी। ते अमर सिंह चमकीले ने बिजली की मुश्किल नूं वेखदे होए क्योंकि उस टाइम एक गरीब परिवार के सन ये बच्चे उस टाइम जां पुत्तर कह लिए धनी राम भी इन्हों का नाम से अमर सिंह चमकीले ने यह गीत लिखा सी बिजली का पंगा प्यारा सिंह पंछी जिन्हां दे धार्मिक गीत भी काफ़ी आए हैं। हाँ जी ये जो रिकॉर्ड देख रहे हो जी ये शीतल सिंह शीतल तो सीमा जी ने गया सी हुजा साहब का म्यूजिक सी लिया फीम का तोला अमर सिंह चमकीला। वाह जी आ वेखो बड़ी बहुत एक मन नूं सुकून देने वाली चीज़ शीतल सिंह शीतल तो सीमा का स्टेज प्रोग्राम ये अमर सिंह चमकीले ने एक गीत लिखा होया तू लिया दे फीम दा तोला आप एक बार फिर तुहानू इधर विखा दें तू लिया दे फीम दा तोला अमर सिंह चमकीले ने यह गीत भी लिखे तो 79-80 के नेड़े ये भी रिकॉर्डिंग हुई है शीतल सिंह शीतल की आवाज़ च ते मैडम सीमा इन्हों का नाम जी इन्हें सह गायक है। फिर इन्हों का एक रिकॉर्ड आया एक कुड़ी पटाखा जिदे बड़े ही अच्छे आर्टिस्ट सन अमर सिंह चमकीला अमरजोत सिंदर शिंदा गुलशन कोवल कुलदीप कौर करतार रमला जी संत सुखी उषा किरण दीदार संधु अमर नूरी ते नरेंद्र बीबा ते रणवीर सिंह राणा ये भी उन्होंने बहुत कमाल का गीत लिखा सी। ये आप वेख सकते हैं जी एक तवे का नाम कंपनी ने रखा सी एक कुड़ी पटाका तो इस अमर सिंह चमकीले होना ने जिहड़ा गीत लिखा होया बच के रिहा कर यह गीत भी आपां शायद ही किसी ने इधर ध्यान दिता होवे कि अमर सिंह चमकीला अपने गायकी सफ़र शुरू करन तो पहला तो गायकी सफ़र शुरुआत दे वेले किस तरह गीत लिखते सन तो वह किवें एक स्कूटर खरीदना चाहते सन तो एक छोटी जी फैक्टरी दे विचों एक मजदूर के तौर पर धनी राम काम करता सी। तो इस वास्ते असी पहुँचे हाँ बिंदर भदौड़ वालों को क्योंकि इन्हां कोले खजाना है संगीत का कह लिए एक अजैब घर है जिथे असी पहुँचे हाँ। जी जी अमर सिंह चमकीला जी का एक रिकॉर्ड यह है सी ये सारे ही कलाकार सन उषा किरण सुखवंत कौर कुलदीप पारस शीतल सिंह शीतल हाकम बख्ती वाला दलजीत कौर सिंदर मोहनी कांशी राम गुलाम अमर सिंह शेरपुरी इन्हें भी अमर सिंह जी का एक गीत सगा पहला गीत उन्होंने ही है जी मेरा ये आप वेख सकते हैं जी हाए नी बेबे मेरीए ये अमर सिंह चमकीले का लिखा हुआ अमरजोत का गाया गीत है शुरुआत दिनों के दौरान तो ये वधिया जी गल लग रही है कांछी राम गुलाम अमर सिंह शेरपुरी जिन्हों बड़े विरले पंजाबी बजुर्ग ही जानते हैं इस वक्त जी नवी पनीरी है नवी पीढ़ी साड़ी बच्चे उन्होंने नहीं पता तो मैं एक विच अगे होर तुसी दिखाओ तवे उन्नी देर जिनी देर बिंदर जी आपां नूं अगला तवा विखा रहे ने मैं एक साढ़े जिहड़े स्टूडेंट ने विद्यार्थी ने बच्चे ने साढ़े जिहड़े सिक्ख्या लै रहे ने संगीत दी उन्हां नूं असीं एक जानकारी देनी चाहवांगे कि वह जेकर कोई पी एच डी दे उपर थीसिस अपना लिख रहे ने कोई जानकारी लैनी चाहुंदे ने धार्मिक खास करके सिख धर्म दे जिहड़े गीत ने जां रागियां ढाडियां दे ने पुराने ने उस वक्त किस तरह का कल्चर सी किवें गीत तैयार हो के आते सन कंपनियां किवें अपने स्नेहे भेजदियां सन म्यूजिक की शुरुआत किवें हुई एडिसन महान विज्ञानी जे कह लिए दुनिया के उपर जिहड़ी रोशनी जिहड़े बल्ब जगते ने चाहे दिवाली दे ने चाहे आपां विआहां ते किते भी रोशनियां वेख रहे हां उहदे निर्माता एडिसन ने बल्ब की खोज उन्होंने करी तो तुसीं हैरान होवोगे संगीत की खोज जिवें कि बिंदर जी हरां दा इह अथाह भंडार है तो आप जे गल करिए बिंदर जी चुक लैणू जिवें आपां वेख सकदे आ चलदे आ मशीनां ते ने जिवें कुत्ता कंपनी हो गई एच एम वी जां जिहड़े भी जिन्ना भी संगीत की बणतर बनती है तो अज एक सुंगड़ के पेन ड्राइव दे विच आ गया संगीत पर इसका निर्माता एक इंसान ही है एडिसन साहब जिस तरह आपां नूं धूरी तो मराहड़ साहब दसदे ने जिन्हां ने एडिसन लैब बनाई हुई है जिस दे विच अथाह भंडार है विज्ञानकां दा तुसीं हैरान होवोगे जिन्ने भी महान विज्ञानी ने वो सारे अनपढ़ सन
ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਕੂਲ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਡੀਸਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਜਗਮਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅੱਜ ਬਿੰਦਰ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਐਡੀਸਨ ਸਾਹਿਬ, ਐਡੀਸਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ, ਐਡੀਸਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੂਹਦਾਰੀ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ। ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜੋ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਬਹੁਤ ਆਊਗੀ। ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਖੋਜ ਆ। ਬਿੰਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਚਾਹਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਦਾ ਪੇਟੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੰਗੀਤ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੋਲ ਜਿਹਾ ਤਵਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਮੜਿਆ ਵਿਖਾਓ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜਦੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣੇ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸਿਲੰਡਰ ਰਿਕਾਰਡ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣੇ ਨੇ ਲੱਖ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਉਂਗਲ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਚਮਕ ਪੈ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ ਇਸ ਦੀ ਉੱਪਰ ਤੱਕ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸੰਗੀਤ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਮਹਾਨ ਰੂਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਐਡੀਸਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ 18 ਅਕਤੂਬਰ 1892। ਇਸ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ UK ਨੂੰ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਹੈ ਅਗਸਤ 1904 ਦੀ ਹੈ। ਅਗਸਤ 1904 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਪੇਟੈਂਟ 18 ਅਕਤੂਬਰ 1892 ਦਾ ਹੈ।